नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं अमृता राय। लोकतंत्र 2012 में आज बात करेंगे नकद सब्सिडी के मामले में चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में क्या कहा केंद्र सरकार ने, और बताएंगे बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या किए हैं गुजरात की जनता से वादे। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। नकद सब्सिडी के मामले में केंद्र सरकार का जवाब, कहा चुनाव आचार संहिता का नहीं हुआ उल्लंघन। गुजरात में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, कृषि रोजगार और बुनियादी सुविधाओं पर पार्टी का जोर। कांग्रेस ने बीजेपी के 17 साल के शासन को बताया विकास विरोधी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोरवाड़िया ने कहा नहीं बदलती वादों से तस्वीर। और गुजरात परिवर्तन पार्टी का कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता भट्ट को समर्थन का ऐलान, मणिनगर से हटाया अपना उम्मीदवार। और आइए आप देखते हैं खबरें विस्तार से। यूपीए सरकार ने कहा है कि नकद सब्सिडी योजना की घोषणा करके उसने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। इस मामले पर चुनाव आयोग ने सरकार से जवाब मांगा था। गुजरात चुनाव के दौरान लिए गए इस फैसले पर दरअसल बीजेपी ने आयोग से शिकायत की थी। We have neither directly or indirectly violated the code because this was an announcement. The policy announcement was made way back in the budget speech when the budget was presented by Pranab Mukherjee, the then finance minister. Policy decision पूरे देश के संदर्भ में लिया गया है, और जो ऐसे पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जो पहले से पाइपलाइन में, कैश ट्रांसफर्स के ऊपर जो कार्रवाई है, जो प्रक्रिया है, वो सरकार में काफी देर से चल रही है। पर जो भी जानकारी चुनाव आयोग ने मांगी है वो सरकार का उचित विभाग जरूर दे देगा। यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी नकद सब्सिडी योजना के ऐलान पर चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने पुरजोर बचाव किया है। सरकार का मानना है कि इससे आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। चुनाव आयोग को दिए जवाब में सरकार ने कहा कि योजना की घोषणा इस साल के बजट भाषण में 16 मार्च 2012 को की गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी पहली प्रेस रिलीज 28 सितंबर को जारी हुई थी, जबकि चुनाव की तारीखों का ऐलान काफी बाद में हुआ। कोई अभी अचानक घोषणा इसकी नहीं कर दी गई है, चुनाव के पहले से ये काम चल रहा है इसके ऊपर, और दूसरे लागू भी जनवरी से हो रही है। गुजरात में भी अगर दो जिलों इसमें आते हैं तो वो भी जनवरी में लागू होगा। इस मामले पर बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। पार्टी अब भी अपने आरोप पर कायम है कि ये गुजरात के वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश है। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, बिकॉज ऑफ गुजरात इलेक्शन, ऑल थिंग हैव बीन डन इन अ हरी। कि ये अगर जनवरी से शुरू करना है तो गुजरात का चुनाव समाप्त होने के बाद घोषणा कर सकते थे, लेकिन उनको गुजरात में जनाधार तो खो चुके हैं, तो कुछ न कुछ करके वो इलेक्शन को प्रभावित करना चाहते थे। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने रविवार को कैबिनेट सचिव अजीत सेठ को पत्र लिखकर जवाब मांगा था। आयोग ने नकद सब्सिडी योजना की घोषणा के समय पर नाखुशी जताई थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल, केंद्र सरकार ने अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को जरूर दे दिया है, लेकिन जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप थे, क्या वो इससे थम जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल अमृता, ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है, जिसके नेताओं ने ये शिकायत दर्ज कराई थी चुनाव आयोग के सामने कि इस स्कीम के तहत कांग्रेस पार्टी जो वोटर्स है उनको इन्फ्लुएंस करना चाहती है गुजरात में, उनका स्टैंड वही कायम है। उन्होंने अभी भी अपना अपने उसी बयान को रिट्रेट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो कांग्रेस की जो योजना, यूपीए सरकार की जो योजना है, इसके तहत कांग्रेस पार्टी अपना राजनीतिक फायदा चाहती थी गुजरात में। और हालांकि थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इलेक्शन कमीशन की आखिरी फैसला आना अभी बाकी है। ये जवाब सरकार की तरफ से दायर किया गया है इलेक्शन कमीशन को। चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखकर जवाब मांगा था सरकार से कि ऐसा सरकार ने क्यों किया, क्या तारीखों का ध्यान रखा जा सकता था चुनाव की तारीखों का, जिसका जवाब सरकार ने दिया है। लेकिन अभी फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आना बाकी है, और जब आखिरी फैसला आएगा उसके बाद शायद इस पूरे मुद्दे को लेकर जो एक तरीके से झड़ी लगी हुई आरोप प्रत्यारोपों की, वो शायद थम जाए। लेकिन इस पूरे
पूरे इस पूरे मामले को लेकर जो विवाद है वो शायद चलता रहेगा और बीजेपी के नेता जरूर चुनावी अपने चुनावी अभियान के दौरान शायद इस मुद्दे को जरूर उठाए। लेकिन विशाल ये बताइए कि इस स्कीम का होगा क्या, क्या इन विवादों के बीच स्कीम जारी रहेगी और जो प्रणाली में सुधार करने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की गई है वो चलती रहेगी? देखिए अगर मोटे तौर पर देखें तो इस मांग का जवाब शायद चुनाव आयोग के फैसले के आने के बाद ही देना उचित होगा, लेकिन सीधे अगर पूरी स्कीम की बात करें जिस तरीके से स्कीम को इंप्लीमेंट सरकार ने करने की घोषणा की थी कुछ दिन पहले और लगभग दो तीन दिन पहले जो केंद्र सरकार के दो मंत्री थे उन्होंने जो पूरी तरीका स्कीम की समझाई थी और 1 जनवरी से स्कीम को इंप्लीमेंट करने का प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आदेश जारी किया गया सभी 9 मंत्रालयों को और उनकी बैठक करके सेक्रेटरीज है उनके साथ बैठक करके इस बात की हिदायतें दी गई कि कैसे स्कीम को लागू किया जाए। इन सब चीजों से साफ जाहिर होता है कि सरकार स्कीम को लागू करने को लेकर पूरी तैयारी में है और 1 जनवरी से स्कीम को रोल आउट करने की पूरी तैयारी की जा रही है। एक पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था, उस पायलट प्रोजेक्ट की भी रिपोर्ट सरकार के पास है, लेकिन अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई एडवर्स फैसला आता है, कोई सरकार के खिलाफ कोई फैसला आता है, सरकार ने अपना जवाब दायर कर दिया लेकिन अगर सरकार के खिलाफ कोई फैसला आता है तो शायद स्कीम को इतनी जल्दी जो इम्प्लीमेंटेशन मोड में लाने की जो बात है उस पर थोड़ी रोक लगे। लेकिन एक चीज जो यहाँ पर ध्यान देने लायक है वो ये है कि स्कीम को सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन की जो डेट रखी है वो 1 जनवरी रखी है जबकि 17 तारीख को तो स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की डेट जो है वो 1 जनवरी से शुरू हो रही है और अब सबको इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन सरकार के इस जवाब के बाद क्या रुख अपनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे की खबर पर। बीजेपी ने गुजरात के लोगों से बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में घोषणा पत्र जारी किया और उसमें ये वादे किए हैं। संकल्प पत्र के नाम से इसे जारी किया गया है। बीजेपी ने आज अहमदाबाद में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनी तो गांव और शहरों के बीच की खाई पाटने में पूरा जोर लगाएंगे। इस मौके पर डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीजेपी ने अगले 5 साल के कार्यक्रमों का प्रस्तावित लेखा जोखा पेश किया। घोषणा पत्र में बीजेपी ने गरीबों के लिए राज्य में 50 लाख पक्के मकान बनाकर देने का वादा किया है। हर जिले में कोल्ड स्टोरेज बनाने की बात भी कही गई है। सौराष्ट्र में पानी की समस्या को दूर करने के लिए नर्मदा योजना का वादा किया गया है। इसके अलावा गुजरात के लोगों के लिए मुफ्त आपात बीमा कराने, 5 साल में बिजली उत्पादन दुगुना करने और 16 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने का भी ऐलान किया गया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवा वोटरों पर खास ध्यान दिया है। इसमें 30 लाख युवाओं को रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए 40,000 छात्रों को छात्रावास सुविधा देने का वादा है। जरूरतमंदों को बैंक कर्ज सरकारी गारंटी पर मुहैया कराने की बात कही गई है। सरकारी नौकरी में न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रशासन में चुस्ती लाने के लिए राइट टू सर्विस एक्ट लाने की बात कही गई है। घोषणा पत्र में ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल उद्योगों पर खास जोर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्ष में गुजरात को किस नई ऊंचाई पर ले जाएगा उसका विश्वास पैदा करने वाला संकल्प पत्र है। आम आदमी में एक भरोसा पैदा करने वाला संकल्प है। पार्टी ने अगले 5 साल में राज्य को ग्रीन गुजरात में बदलने का भरोसा भी दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो मोदी सरकार के वादे और इरादे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अरविंद, सबसे खास बात क्या है आज जो संकल्प पत्र जारी किया गया बीजेपी की तरफ से उसमें? देखिए अमिता जी, जो कुछ खास बातें हैं उसमें जो ये लग रहा है, जो जिसको केंद्रीय बिंदु कहें तो वो ये है कि बीजेपी ने जो किसान कम्युनिटी है यहाँ की जी, उसको रिझाने की भरपूर कोशिश की है, क्योंकि जो जिनको जिससे मोदी को चैलेंज मिल रहा है वो केशुभाई पटेल, वो किसान कम्युनिटी के बीच में एक अच्छे लोकप्रिय नेता है जी। तो जो खास तौर पर जो मेन फोकस है, 5 सालों में 16 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई सुविधा देना, सौराष्ट्र के इलाके में नर्मदा का पानी पहुंचाना, ये और इसके अलावा जो है गांव और शहर के बीच जो एक असंतुलन बढ़ रहा है, खाई बढ़ रही है, उसको दूर करना, इसके अलावा खेतिहर जो समुदाय है उसको मतलब उसके जो उत्पादों को ठीक पहुंचाने के लिए जो यहाँ के गुजरात के जो छोटे छोटे बंदरगाह है उनकी क्षमता को 3 गुना बढ़ा देना, ये खासतौर पर जो जो कुछ बिंदु है जो
काफी महत्वपूर्ण बिंदु है जी। ये तो वादों की बात हुई, लेकिन अगर उनकी उपलब्धियों की बात करें तो पिछले दो सरकारों को उन्होंने लीड किया है, तो क्या जो उनका घोषणा पत्र है उसमें उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया है? देखिए, उपलब्धियों की बात तो उन्होंने कही है और तो लगातार ये लोग जो है अपनी उपलब्धियों को उठा रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। लेकिन जहां तक उपलब्धियों की बात है तो अगर नर्मदा परियोजना की ले लीजिए, 2010 में पूरा होना था, अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और जो स्थानीय किसान है नर्मदा परियोजना के दायरे में आने वाले, उनको अभी पानी का संकट है, तो कई तरह की दिक्कतें हैं अभी। और वायदों के बारे में जगह जगह लोगों ने जो हम लोगों से बातचीत में कहा कि जो जो वायदे पूरे किए थे और जो जो वायदे किए गए थे उनमें से कई वायदे तो निश्चित तौर पर पूरे हुए हैं, लेकिन कई ऐसे वायदे भी हैं जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए अरविंद कुमार सिंह। बढ़ते हैं आगे की खबर पर, बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने कहा है कि बीते 17 साल में गुजरात की तरक्की थम गई है। अहमदाबाद के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोरवाड़िया ने यह बात कही है। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र को हवाई करार दिया है। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी करते समय भले ही प्रदेश की तरक्की गिनाई हो, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब उनकी सरकार थी तो बीजेपी के मुकाबले गुजरात का विकास दर लगभग दोगुना था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन मोडवाड़िया ने कहा कि गुजरात में विकास का सिर्फ प्रचार है। गुजरात का विकास का एक वर्चुअल पिक्चर, आभासी पिक्चर दुनिया के सामने पेश किया गया है और इसी वजह से ही आज नरेंद्र मोदी जी खुद प्रजा के बीच में जाने से डर रहे हैं, इसलिए 3D के जरिए वो खुद वर्चुअल के रूप में वहां जाते हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि गुजरात में कुपोषण और एनीमिया के मामले में लगातार बढ़ोतरी हुई है। पार्टी ने यह भी कहा कि जनता की बेहतरी के लिए शुरू की गई कांग्रेस की कई योजनाओं को बीजेपी ने बंद कर दिया। अर्जुन मोडवाड़िया ने कहा कि घोषणा पत्र के वादों की बजाय बीजेपी की नीति में बदलाव की जरूरत है। इंडस्ट्री यहाँ आती है, न गुजरात को रोजगारी मिलती है, न गुजरात को टैक्स देते हैं, सिर्फ पॉल्यूशन ही देते हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक गुजरात का जो ग्रीन है वो सपना एक आभासी पिक्चर ही वो देते रहेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस जनता से जुड़े मसलों को उठाकर राजनीतिक बढ़त बनाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरी तरफ गुजरात में बीजेपी ने एक दिन में रिकॉर्ड रैलियां की। रविवार को पार्टी के 20 से ज्यादा नेताओं ने 60 रैलियों को संबोधित किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अहमदाबाद और गांधीनगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। मेहसाणा की रैली में पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने गुजरात को विकास का मॉडल बताया। अब केवल हिंदुस्तान नहीं तो वर्ल्ड में पूरी दुनिया इस बात को स्वीकारती है कि सुशासन और विकास का हिंदुस्तान में सबसे अच्छा अगर कोई मॉडल है तो गुजरात की सरकार है। मैं विश्वास करता हूं कि गुजरात एक प्रकार से हिंदुस्तान भर को रास्ता दिखाए, हिंदुस्तान भर के लिए एक आदर्श उपस्थित करेगा। वडोदरा में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज की रैली हुई। उन्होंने कहा कि गुजरात में सभी वर्गों के लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। कभी भी नरेंद्र भाई किसी गुजरात के वासी को हिंदू या मुसलमान की दृष्टि से नहीं देखते, वो उसे केवल और केवल गुजराती की दृष्टि से देखते हैं। ये मेरा गुजराती है, ये मेरे प्रदेश का वासी है। इनके अलावा अनंत कुमार, नवजोत सिंह सिद्धू समेत करीब 23 नेताओं ने कई शहरों में रैलियां की। सभी नेताओं ने जनता से बीजेपी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने खुदरा में विदेशी निवेश के मसले को उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता भट्ट के खिलाफ जीपीपी ने हटाया अपना उम्मीदवार। Hello and welcome to a special edition of To The Point. When the nation's opinion makers articulate, India stops and listens. Political grandstanding. Azadi does not mean freedom from India. Social democracy is dead. Hard-hitting revelations. People are quite fed up. 60% facts are wrong. Powerful interventions. Ban forward trading. Come to court and court has to take a stand. To The Point. Views that make news. Only on Rajya Sabha Television.
जिंदगी से एक मुसलसल लड़ाई। हर सांस के साथ एक उम्मीद। लेकिन उम्मीद के नाम पर सिर्फ आश्वासन। ये तेरा घर, ये मेरा घर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट में हमारी ये खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। Lawyers are using it as a tool to subvert the system. Bail is the rule and jail is the exception. Supreme Court judgment is a law. Media hype and glare on these cases. It is said that the law is an ass. So right of the society cannot be ignored. Law of the land. A new series on Rajya Sabha TV. अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रचार की। कांग्रेस नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूरत में एक रैली की। उन्होंने कहा कि गुजरात में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्य की बीजेपी सरकार पर लोगों के भविष्य से खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो जीवन रक्षक दवाइयों की कीमत में भारी कमी की जाएगी। गुजरात के बच्चे कुपोषण के शिकार बन चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार गुजरात के भविष्य को नीलाम कर रही है। इसके विरुद्ध आपको अपना आवाज उठाना होगा। 250 ऐसे दवाइयां जो जीवनदायी हैं, उनको मुफ्त दिया जाएगा गुजरात की गरीब जनता को। ये कांग्रेस का संकल्प। केशुभाई पटेल की गुजरात परिवर्तन पार्टी ने मणिनगर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता भट्ट को समर्थन देने का ऐलान किया है। जीपीपी ने अपने उम्मीदवार प्रवीण पटेल को चुनाव मैदान से हटा लिया है। जीपीपी ने श्वेता भट्ट की अपील के बाद ये कदम उठाया है। श्वेता भट्ट ने जीपीपी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ समर्थन देने की अपील की थी। जीपीपी का कहना है कि उसके फैसले से नरेंद्र मोदी विरोधी वोटों में एकजुटता में मदद मिलेगी। मैं बहुत ही आभारी हूँ केशु भाई की। वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं, समझते हैं मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाहती थी और उनका सपोर्ट है मुझे, आशीर्वाद है उनका। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम। गुजरात का दक्षिणी क्षेत्र कल कारखानों के लिए जाना जाता है और इस इलाके में सूरत भी आता है जो हीरा और कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर रहा है। दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष परेश पटेल का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कमी और बाढ़ यहाँ की प्रमुख समस्या है। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने परेश पटेल से खास बातचीत की। नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। हम यहाँ हैं दक्षिण गुजरात के मुख्यालय कहे जाने वाले सूरत में। हमारे साथ हैं श्री परेश पटेल जो दक्षिण गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। सर पटेल साहब, हम अगर आपसे ये पूछें कि जो साउथ गुजरात है वहाँ जो उद्योग और व्यापार है उसकी क्या स्थिति है? 1940 से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई थी और बिजनेस की बात करते हैं तो मुख्य जो बिजनेस है सूरत के आजू बाजू में, तो उसमें एक तो टेक्सटाइल है, दूसरा डायमंड है जी। फिर इंजीनियरिंग सेक्टर थोड़ा बढ़ रहा है अभी जी। और एग्रीकल्चर बेस तो पहले से है साउथ गुजरात में जी। जैसे आप अल्फेंजो की बात करें, मैंगो की जी। तो वो पैदाश साउथ गुजरात की है जी। बनाना है, पपैया है, चीकू है, देन बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, वो सब यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में से व्यापारी सूरत आते हैं, यहाँ रुकते हैं एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, अपनी जो जरूरियात के मुताबिक कपड़ा लेके अपने रिस्पेक्टिव एरिया में चले जाते हैं। हम डायमंड की बात करें तो वर्ल्ड के जितने भी डायमंड्स, रफ डायमंड्स जितने भी कोई भी देश में निकलते हैं वो सूरत आते हैं पहले। कि सूरत में आउट ऑफ 10 डायमंड्स 8 डायमंड्स आर कट एंड पॉलिश्ड इन सूरत ऑफ वर्ल्ड। तो डायमंड का बहुत बड़ा मार्केट है। दुनिया भर से लोग आते हैं सूरत में, एक तरह से इंटरनेशनल सिटी है।
क्या इंटरनेशनल सिटी के लायक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है या क्या चाहिए? सूरत में अगर कोई अच्छी चीज़ या कोई चीज़ हमको हमारे बिजनेस में कोई दिक्कत बाधा कर रही है वो हमारा एयरपोर्ट है। वी हैव ओनली वन कनेक्टिविटी विथ दिल्ली एंड बॉम्बे। सूरत की एक ही मांग है, वो है कि हमको फुल फ्लेज एयरपोर्ट दे दिया जाए तो हम ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे। बाकी तो रोड बहुत अच्छे हैं, सूरत की हम बात करें, साउथ गुजरात की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू वो कोई दिक्कत नहीं है। पोर्ट अच्छा डेवलप हो रहा है मगदल्ला। ट्रेड इंडस्ट्री को जिन देशों ने बहुत मदद नहीं की है वहाँ झटका खाने लगा है जो, अभी क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं और उसमें फ्यूचर में क्या चैलेंजेज हैं जिसके तरफ सतर्क रहने की जरूरत है? पूरे भारतवर्ष और पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ पे लोग चिंतित हो रहे हैं वो है क्लाइमेट चेंज। सूरत में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो हमको सताती है, हर बारिश की सीज़न में हमको डर रहता है कि कहीं बाहर ना आ जाए, तो वो जानने के लिए एक अर्ली वार्मिंग सिस्टम हमने डेवलप की है। अच्छा। कि मध्य प्रदेश में अगर पानी ज़्यादा आ रहा है तो हमको 48 आवर्स पहले उसका पता हो जाना चाहिए कि भी सूरत की ताप्ती रिवर में कितना पानी आएगा और पानी आने की वजह से कौन से एरिया में वो पानी जा सकता है। क्या जो ट्रेड कॉमर्स और ये सब बातें जो राजनीतिक दल हैं वो मुख्यतः उठा रहे हैं अपने एजेंडे में, आ रहे हैं उनके या नहीं अभी तक? इंडस्ट्री तभी फूले फाली सकती है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ढंग का मिले, और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको सिर्फ एयर कनेक्टिविटी का जो इश्यू है वो हम चाहते हैं दोनों पार्टी से कि आप हमको इमीडिएट अगर कुछ करना चाहते हो आप सूरत के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए, तो वो है एयर कनेक्टिविटी। अच्छी एयर कनेक्टिविटी मिलेगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को हम उससे अच्छी तरह से ग्रो कर पाएंगे। सर, राज्यसभा टीवी से बात करने के लिए जी थैंक यू वेरी मच। तो लोकतंत्र 2012 में बस इतना ही, चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं कुछ और दूसरी खबरों पर जो रही गुजरात में सुर्खियां। बीजेपी से अलग हो चुनाव लड़ रहे किसान नेता कनु कलसरिया ने दावा किया है कि अमरेली और भावनगर से सद्भावना मंच के पांचों उम्मीदवार जीतेंगे। कनु कलसरिया नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। कनु कलसरिया सफल किसान आंदोलन की अगुवाई कर चुके हैं, उनके सद्भावना मंच के बैनर से कई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से महज 16 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से बीजेपी के 11 और कांग्रेस से 5 महिला उम्मीदवार हैं। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद इन सभी के पर्चे सही पाए गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने उम्मीद जाहिर की है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। LJP राज्य में करीब 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पासवान का दावा है कि उनकी पार्टी को जनजातीय इलाकों में खासा समर्थन मिलेगा। पासवान ने कहा कि राज्य के दलित भी उनकी पार्टी का समर्थन करेंगे। गुजरात परिवर्तन पार्टी के नेता गोवर्धन झड़फड़िया का दावा है कि बीजेपी से नाराज पटेल समुदाय केशुभाई पटेल की जीत सुनिश्चित करेगा। झड़फड़िया ने कहा कि केशुभाई पटेल के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू की टिप्पणी से पटेल समुदाय में नाराजगी है और उसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कहा जाता है कि गुजरात में सरकार उसकी बनती है जिसे सौराष्ट्र के लेवा पटेल समुदाय का समर्थन मिलता है। सौराष्ट्र और कच्छ की 58 सीटों में से कच्छ की 7 सीटों को छोड़कर 51 सीटों में से 36 सीटों पर लेवा समुदाय का वर्चस्व है।